हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाएंगे मोदक सिर्फ 5 मिनट में। ये बेसन के मोदक हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने 5 मिनट में बेसन के मोदक कैसे तैयार किए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं भुने हुए चने। ये मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। आप तो चाहें तो बिना छिलके वाला भी ले सकते हैं। मैंने छिलके वाला मेरे घर में ही रखा हुआ था किचन में, तो वही मैंने यूज़ किया है। इसके छिलके को मैंने हटा लिया है और इसको हमें मिक्सी जार में पीसना है। और ये आधा किलो चने हैं, तो देखिए मैंने फाइन पाउडर बनाकर तैयार किया है। बिल्कुल महीन पाउडर होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कटोरी चीनी ली है। आप चाहे तो टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। और इसको भी हमें फाइन पाउडर बना लेना है। उसके बाद इसको भी हमें मिक्स कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे मिल्क पाउडर। तो मार्केट में जो 10 रुपीज़ का मिल्क पाउडर आता है वो मैंने लिया है। और ये 2 पैकेट मैंने लिए हैं। इसको मैंने इसलिए डाला है जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाए। तो आप चाहे तो अगर इसको ना भी डालें तो भी आपका ये बन जाएगा, लेकिन क्योंकि मुझे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा करना था तो इसलिए मैंने मिल्क पाउडर भी यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये 2 पैकेट मैंने डाल दिए हैं इसमें। और उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें नारियल का बुरादा। वो भी मेरे पास घर में ही रखा हुआ, तो जो मेरे पास घर में किचन में मेरे चीज़ें अवेलेबल थी वही मैंने डाली है। तो यहाँ पर 5 से 6 चम्मच मैंने नारियल का बुरादा इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहे तो उसकी भी क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। मैंने 5 या 6 चम्मच ही डाले थे इसमें। तो उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे इसमें फूड कलर, जिससे ये देखने में और भी सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर डाला है क्योंकि मेरे पास येलो कलर जो था वो ख़त्म हो गया था। तो आप येलो कलर ज़रूर डालें, और नहीं है तो ऑरेंज कलर भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है देसी घी, और देसी घी कम से कम आधा कटोरी या उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा आपका, जिससे कि आप बाइंडिंग अच्छी हो जाए उतना आप डालें कि ये बस बनने लगे। अगर आप कम डालेंगे तो ये मोदक फूट जाएगा, बनेगा नहीं मोल्ड में। तो यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल अच्छे से आप कर लें। और फिर इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है मोदक मोल्ड, और इसको हमें अच्छे से ग्रीस कर देना है। नहीं ग्रीस करेंगे तो इसमें से निकलेगा नहीं, क्योंकि पहले मैंने चेक किया था तो बिना ग्रीस किए हुए निकल नहीं रहा था। मुझे लगा था इसमें घी पड़ा है, शायद निकल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर मैंने इसको ग्रीस किया और इसको पीछे साइड से अच्छे से हमें फिल कर देना है। दबा दबा कर आप इसमें भरिएगा, नहीं तो वो जो शेप होता है ना वो अच्छा नहीं आता है। तो बहुत अच्छे से टाइट भरिएगा, बिल्कुल हल्का मत रखिएगा। मैंने इसको दबा दबा कर अच्छे से भरा है। और अब इसको मैं खोल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है अच्छा सा बिल्कुल शेप बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये रेसिपी 5 मिनट में बेसन के मोदक की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।